बेटा लास्ट टाइम वी वर डूइंग द रीडो फाइट्स, एक जनरल सारा लाइफ साइकिल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने बता दिए थे, अलग से लिख लेना या जहां पे लीव्स के बारे में लिखा हुआ है वहां नोट कर लेना कि मैंने आपको बताया था कि लीव्स जो है दे कैन बी सिंपल और दे कैन बी कंपाउंड। सिंपल लीव्स एग्जाम्पल है सेलेजिनेला, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सिंपल लीव सेलेजिनेला, जिसको कॉमनली क्या बोलते हैं, स्पाइक मॉस। कंपाउंड लीव, सिंपल लीव यहां पे कैसे मिलते हैं, अगर आपने बनाया होता डायग्राम तो आपको ये पता होता इस तरह से। वेयर एज कंपाउंड लीव्स सच एज इन केस ऑफ फॉन्स, और फॉन्स भी एक कैटेगरी है सच एज ड्रायोपटेरिस, जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल। दिस इज द साइन ऑफ मेल, मेल शील्ड फॉन। और दूसरी एग्जाम्पल आ जाती है बेटा, अनदर इज इडियंटम। इडियंटम मैंने आपको बताया था दिस इज वॉकिंग फॉन, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है कि जो लीव्स है दे कैन बी स्मॉल और दे कैन बी लार्ज। The small leaves of pteridophytes are called as microphylls. Phyll का मतलब है leaf, micro मतलब छोटे। Again, example है Selaginella. जबकि large leaves these are called as megaphylls. जितनी भी एग्जाम्पल है फॉन्स की, फॉन्स हैव मेगाफिल्स, ठीक है। इस तरह से अगर दिस इज ली, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं देन, एक हमने कहा था फर्टाइल लीव्स, फर्टाइल लीव्स द लीव्स विच बियर स्पोरेंजिया, दे आर कॉल्ड एज फर्टाइल लीव्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोफिल्स। जो स्पोरोफिल्स है दे आर लूजली अरेंज्ड, एज इन फॉन्स। फॉन्स में मैंने आपको दिखाया भी था कि ये अगर लीफ है देन ये बहुत टाइटली नहीं है, दीज आर लूजली अरेंज्ड लीव्स।
और इनके यहाँ पे दीज आर स्पोरेंजिया या सोरस। ठीक है, वेयर एज दे मे बी कंपैक्टली अरेंज्ड, कंपैक्ट मतलब बहुत टाइट, कंपैक्टली अरेंज्ड टू फॉर्म कोन्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोबिलाई। फॉर एग्जाम्पल सेलेजिनेला, अगेन स्पाइक मॉस, यहां पे क्या है कि ये है, ये सब फर्टाइल लीव्स है, ये सब बहुत टाइटली अरेंज्ड है एंड दे फॉर्म अ कोन लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज स्ट्रोबिलाई, राइट। सो दिस वन इज स्ट्रोबाइलस, एक है तो इट इज स्ट्रोबाइलस, मतलब कोन है ये, राइट। इसमें क्या है, स्पोरोफिल्स टाइटली अरेंज्ड, इज इट ओके। देन इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, होमोस्पोरस का मतलब था सभी स्पोर्स सेम है, ऑल स्पोर्स सिमिलर, इनमें स्पोर्स आर लिबरेटेड, जो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं और देन दे फॉर्म बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट, राइट। वेयर एज जो हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है हेट्रोस्पोरस वो है जो दो टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, दीज आर स्मॉल माइक्रोस्पोर्स, ये लिबरेट करते हैं, जर्मिनेट और क्या बना देते हैं, मेल गैमेटोफाइट। जबकि जो मेगास्पोर्स है, लार्ज मैक्रोस्पोर्स या मेगास्पोर्स, दे आर नॉट लिबरेटेड, इसमें क्या है, दे जर्मिनेट on parent plant only, parent plant या sporophyte only, and is retained on parent plant even after fertilization। ठीक है, तो एक तो इसमें एडवांसमेंट क्या आई, कुछ टेरिडोफाइट्स में, सभी में नहीं, कि एक तो दो टाइप के स्पोर्स आ गए और जो फीमेल गैमेटोफाइट है इसने क्या बनाया, यहाँ पे लिख भी लेना, जब लिखोगे तो मेरे को बताना, मैं यार लिखवा दूंगी, जर्मिनेट ऑन पेरेंट प्लांट ओनली टू फॉर्म द फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन द पेरेंट प्लांट
इवन आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट अलग नहीं होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है पेरेंट स्पोरोफाइट पे ही रिटेन रहता है, राइट। सो दिस इज द एडवांसमेंट, क्या है, कुछ टेरिडोफाइट्स में एक तो हेट्रोस्पोरी, दूसरा रिटेनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, एंड दीज टू इवेंचुअली लीड्स टू सीड हैबिट इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। तो हम कहते हैं एक नींव आज रखी गई है ना, एक नींव हमारे एंसेस्टर्स ने रख दी और उसको आगे जो है हमने डेवलप कर दिया, ठीक है। तो इसी तरह से जो जिम्नोस्पर्म्स है उनके एंसेस्टर्स कौन थे, टेरिडोफाइट्स, वहां पे बेस आ गया, क्या बेस है, दैट इज हेट्रोस्पोरी, कुछ में हेट्रोस्पोरी एंड रिटेनिंग ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट, और आगे जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में इन्हीं दो प्रॉपर्टीज की वजह से क्या बनना शुरू हो गया, सीड्स बनने शुरू हो गए। इज इट ओके, ये समझ में आई, तो ये पहले लिखो और फिर मैं आगे और लिखवाती हूँ। सो राइट डाउन, नेक्स्ट स्टार डाल के पॉइंट लिखना, हेट्रोस्पोरी, हेट्रोस्पोरी एंड and retaining of female gametophyte on the sporophyte, retaining of female gametophyte on sporophyte are the precursors means forerunners type आप कह सकते हैं, जो चाहिए होता है, precursors of seed habit, तो हम कहते हैं therefore requirements for seed habit start developing in some of pteridophytes, but seed formation occur in gymnosperms and angiosperms, पूरा लिखना है आपने, gymnosperms and angiosperms, ठीक है। तो उसकी requirements कुछ कुछ आ गई है, but आगे seeds कहाँ पे बने हैं, gymnosperms and angiosperms। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर क्लासेस, फर्स्ट आ जाते हैं फर्स्ट क्लास इज साइलोप्सिडा, सेकेंड आ जाती है लाइकोप्सिडा, थर्ड आ जाती है स्फिनोप्सिडा, and the last class is pteropsida. Psilopsida, lycopsida, sphenopsida and pteropsida. Pteropsida, it include ferns. It include ferns,
सच एज मैंने आपको बताया है, ड्रायोप्टेरिस, अनदर फर्न इज पेरिस, इसको पटेरिस होने पेरिस बोलते हैं, अनदर इज इडियंटम, दीज आर सम ऑफ द कॉमन फर्न्स, अनदर इज स्पिनोप्सिडा, स्विनोप्सिडा में एग्जाम्पल आ जाती है इक्विसिटम, मैंने इसको बताया था आपको, दिस इज कॉल्ड एज हॉर्स टेल, इक्विसिटम दैट इज हॉर्स टेल, अनदर इज लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला commonly called as spike moss, moss nahi hai, hai to pteridophyte hai but commonly called as spike moss, another example is lycopodium, then psilopsida, isme example common aa jati hai साइलोटम, ठीक है बेटा, ये तीन तो है ही है, साथ में और कौन कौन सी आ जाती है, अजोला, साल्विनिया, मार्सिलिया, ये सब भी फर्न्स में आ जाती है, और ये जो तीन है दीज थ्री आर कॉल्ड एज वॉटर फर्न्स या एक्वेटिक फर्न्स, अजोला, साल्विनिया एंड मार्सिलिया, ये सब क्या है, दीज आर एक्वेटिक टेरिडोफाइट्स या एक्वेटिक फॉर्म्स, इसमें जो अजोला है बेटा स्टार डाल के लिखना है आपको, अजोला जो है Azolla is smallest form. Its fronds. Fronds क्या है? Fronds होते हैं बेटा leaves. Leaves of ferns. Ferns के leaves को fronds भी कहते हैं. जो इसके fronds है consists of ब्लू ग्रीन एल्गी एनाबिना, इसके लीव्स में एनाबिना भी रहती है, और दोनों को हम क्या बोलते हैं, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, सिम्बियोटिक एसोसिएशन, ठीक है, और जो एनाबिना है फिक्सेस नाइट्रोजन, देयरफॉर अजोला इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन राइस फील्ड्स, क्योंकि चावल के जो खेत है उनमें पानी भर के रखते हैं कितने टाइम तक, तो वहां पे अजोला भी डाल देते हैं, ठीक है, अजोला उसमें ग्रो करता रहता है, बहुत जल्दी ग्रो करता है, छोटा सा तो है, और उसके अंदर क्या है, एनाबिना, एनाबिना नाइट्रोजन फिक्स करता है, तो इसलिए उस सॉयल में, राइस के फील्ड में, सॉयल में काफी सारी नाइट्रोजन आ जाती है, हमें बहुत ज्यादा यूरिया या एनपीके
वो ऐड नहीं करनी पड़ती क्योंकि नेचुरल नाइट्रोजन बहुत आ जाता है. इज इट ओके? लिख लो पहले. Bryophytes and pteridophytes. Mainly dominant कौन है pteridophytes में? हम mainly बात करेंगे यहाँ पे ferns की और यहाँ पे mosses की. यहाँ पे क्या advanced है? Gametophyte है. Gametophyte dominant. अगर gametophyte है, पूरी concentration यहां पे लगाना बेटा. Gametophyte dominant है तो इसमें sex organs होंगे. Anthridia and आर्किगोनिया विद लॉन्ग नेक. क्योंकि आर्किगोनिया इसमें वैसे कहानी सी बना रही हूं मैं कि आर्किगोनिया इसमें पहली पहली बार आए तो वो कहते हैं हमने बड़ा सा आर्किगोनिया बनाना, ऐसे छोटा सा नहीं हमने कर. ठीक है, उसके बाद टेरिडोफाइट्स में पता चलता है कि आर्किगोनिया में फंक्शन किसका, एग का है, बाकी सब तो वेस्ट है. तो टेरिडोफाइट कहते हैं ऐसे इतनी बड़ी हमने नेक बना लिया, छोटी सी करो, तो वहां पे आगे डिक्रीज हो जाती है. राइट, सो एंथ्रीडिया ने बनाए मोटाइल मेल गैमेट्स, आर्किगोनिया ने बनाया लार्ज एग विद स्टोर्ड फूड. इन दोनों की इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाय ओगैमी और क्या बन गया, यहां बन गया जाइगोट. जाइगोट ने बनाया एम्ब्रियो. जाइगोट इन वेंटर या इन आर्किगोनिया. एम्ब्रियो ने बनाया स्पोरोफाइट. स्पोरोफाइट जो है इट इज, क्या लिखना है हमने, पैरासिटिक ऑन गेमेटोफाइट. पैरासिटिक हमने क्यों कहा? क्योंकि गेमेटोफाइट पे ही अटैच्ड है और उसी से ही ये क्या ले रहा है, न्यूट्रिशन भी ले रहा है. स्पोरोफाइट ने बनाए स्पोर मदर सेल्स और इसमें क्या हो गई, मियोसिस. मियोसिस के बाद बने स्पोर्स, जर्मिनेट किया और बनाया जुवेनाइल गेमेटोफाइट जिसको बोलते हैं प्रोटोनिमा. एंड दिस जुवेनाइल गेमेटोफाइट बाय बडिंग उन्होंने जर्मिनेट करके डोमिनेंट गेमेटोफाइट कर. ठीक है, ये तो था ब्रायोफाइट्स का. पेरिडोफाइट्स का
स्पोरोफाइट डोमिनेंट। इसने बनाए, इसमें क्या है, स्पोरोफिल्स, फर्टाइल लीव्स को बोलते हैं स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स में थे सोरस, और सोरस में है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर है स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हो गई और बन गए स्पोर्स। स्पोर्स ने जर्मिनेट किया और प्रोथेलस बनाया। प्रोथेलस इज गैमेटोफाइट। इस प्रोथेलस में क्या है, एंथ्रीडिया एंड रिड्यूस्ड आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया ने बनाए मोटाइल मेल गैमीट्स, आर्किगोनिया ने बनाया लार्ज एग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन बाय ओओगैमी। बेटा एल्गी को छोड़कर बाकी सभी प्लांट्स में ओओगैमी, और क्या बन गया बेटा, जाइगोट बना। एम्ब्रियो बनाया और एम्ब्रियो ने फिर स्पोरोफाइट बना। ठीक है, अब जल्दी से, दिस इज द लाइफ साइकिल। ठीक, तो अब जल्दी से मैं जो नंबर लिख रही हूं, आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 फटाफट से मुझे मैसेज करो विद नंबर कि इनकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन क्या है, एन है कि 2N है। यहां पर भी ए बी सी डी ई एफ एंड जी। जल्दी से इनकी मुझे मैसेज करो, इन सब की आपने बताना है कि एन है कि 2N है, जेनेटिक कॉम्पोजिशन बतानी। तो बेटा मैंने क्या बताया था कि मियोसिस के बाद जितने क्रोमो जितनी भी स्टेजेस है वो सब हैप्लोइड होंगी, फर्टिलाइजेशन से पहले, मियोसिस के बाद एन। इसलिए ज्यादा सोचना ही नहीं है, उसके बाद होगी फर्टिलाइजेशन, तो उसके बाद ये भी 2N, ये भी 2N, 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 उसके बाद मियोसिस होगी तो हैप्लोइड। इसी तरह से यहां पे है, अगर हम देखें कि फर्टिलाइजेशन कहां पे हुई है, यहां पे, तो ये 2N, 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 सारे ये यहां तक ये सब 2N, और ये मियोसिस हो गई है तो N, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर 2N। सो दिस इज द केस। नेक्स्ट थोड़े से डिफरेंसेस और लिख लो ताकि हम बात करें।
ब्रायोफाइट्स में क्या चीज है, दैट इज गेमिटोफाइट डोमिनेंट स्पोरोफाइट पैरासिटिक ऑन गेमिटोफाइट। नो वैस्कुलर टिश्यूज, देन ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट। मैंने पहले भी ये पॉइंट्स लिखवाए हैं। और टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट डोमिनेंट गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट बट रिड्यूस्ड है। तो अलग है स्पोरोफाइट से, बट इतना रिड्यूस है फर्टिलाइजेशन के बाद मर जाते हैं। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट ट्रू रूट्स स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट। ये मेन डिफरेंसेस है यू नो बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, राइट। ठीक है, ये पॉइंट लिख लो और फिर जो है मैं कुछ आपको क्वेश्चंस देती हूँ वो नोट करना।